नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बंगाल से आलू के जो ट्रकें हैं वो अब झारखंड में प्रवेश नहीं कर रही। इसको लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी को निर्देश दिए हैं कि किन वजहों से आलू के जो ट्रकें हैं बंगाल से झारखंड नहीं घुस रही है। हालांकि इसको लेकर भाजपा जो है सरकार से ये पूछ रही है कि ममता बनर्जी राज्य में 28 तारीख को हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण में शामिल होने आई थी, उसके बाद ऐसा क्या कुछ हुआ कि ममता बनर्जी झारखंड से बंगाल पहुंची उसके और बंगाल से आलू की ट्रकें जो हैं वो झारखंड में नहीं प्रवेश करी। हम ये आलू की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आलू की जो कीमतें हैं राजधानी रांची की अगर बात करें तो महंगाई जो है वो चरम सीमा पर छू गई है। वहीं अगर बात की जाए तो बंगाल की ओर से आलू के वाहनों पर सीमा पर रोक लगाने के बाद झारखंड के जो मुख्य मंत्री हैं यहाँ के सचिव को तत्काल कदम उठाने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अलका तिवारी को निर्देश दिया और कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव संजय मनोज पंत से बात की और इस मामले का हल निकालने के लिए कहा है। वहीं अगर बात की जाए आलू की सप्लाई से जुड़े मामले के लिए तो बंगाल में भी इसके लिए कमेटी जो है वो बनाई गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी को भरोसा दिलाया है कि जल्द ये कमेटी का गठन करके आलू की सप्लाई रोके जाने का निष्पादन किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल ने आलू के ट्रकों को झारखंड आने से पूरी तरह से रोक दी गई है, जिससे आलू की कीमत जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। वहीं ग्राहक अगर बात की जाए तो ग्राहक जो है ऊँची दाम में आलू लेने से काफ़ी परेशान है, व्यवसायी जो है वो परेशान है। आलू जो है वो बंगाल में जो ट्रकें रोकी गई है उसमें सड़ रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो दूसरी ओर आलू को सीमा पर रोके जाने की वजह से ट्रक में आलू सड़ने लगे हैं। एक और झारखंड के आम लोग आलू की ऊंची कीमतों से परेशान हैं तो दूसरी ओर आलू व्यापारी भी नुकसान झेलने को विवश है। बंगाल सरकार ने कीमतों को नियमित रखने के लिए अन्य राज्यों को आलू की सप्लाई बंद कर दी गई है। हालांकि सरकारें जो हैं इस पर पूरी तरह से जो है वो गंभीर है। कुछ हम दुकानदार हैं जो आलू बेच रही हैं उनसे जानते हैं कि खुदरा में यहाँ पर आलू किन कीमतों पर बेचा रहा है। आलू कैसे बेच रहे हैं चाची? 50 रुपया। कब से बढ़ा है 50 रुपया? बढ़ गया है, 8-10 दिन हो गया। चलिए 8-10 दिन हुआ है आलू का कीमत जो है वो राजधानी रांची में बढ़ा हुआ है। कुछ और विक्रेता हैं जो खुदरा में यहाँ पे बिक्री करते हैं आलू की, हम उनसे जानते हैं। चाची आलू कैसे हो, कब से महंगाई कस्टमर को कितना झेलना पड़ रहा है? 8-10 दिन से महंगा हो गया है आलू। आलू प्याज टमाटर सब महंगा है, कोई चीज़ सस्ता नहीं है। जो आ रहे हैं कस्टमर खरीदने उनको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है? ले नहीं रहा है कोई सामान, बिक्री नहीं हो रहा है। बैंगन है महंगा, फूलगोभी महंगा, कद्दू महंगा, टमाटर महंगा, भिंडी महंगा, सब चीज महंगा है, कोई सस्ता नहीं है। तो समझ सकते हैं कि सब्जी हरे सब्जी के साथ साथ आलू की जो कीमतें हैं वो आसमान के भाव अब छूने लगी हैं। कुछ और सब्जी विक्रेता हैं, हम उनसे बात करेंगे। चाची आलू कैसे, कस्टमर को कितना नुकसान हो रहा है? अब बेचवैया का भी नुकसान हो रहा है और किनैया का भी नुकसान हो रहा है। चलिए, जो खुदरा में विक्रेता करते हैं आलू के उनको नुकसान उठाना पड़ रही है। मार्केट में जो है आलू की बिक्री कम हो गई है, राज्य में आलू की जो कमी है लेकिन उसको लेकर लगातार राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं मुख्य सचिव अलका तिवारी को पूरी तरह से निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द बंगाल के जो मुख्य सचिव हैं मनोज पंत उनसे बात करके सभी चीज़ों का निष्पादन जो है वो जल्द से जल्द की जाए और आलू की कीमतें जो है वो कम हो राज्य में। बंगाल की तरफ से जो आलू रोका गया है उसको राज्य में लाने का जो है वो काम करे जल्द से जल्द। हालांकि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी वो भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस चीज़ों को गंभीरता से लेने की पूरी तरह से मांग की। अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी इसको पूरी तरह से गंभीरता से लेने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सारे चीज़ों को गंभीरता से लेने का निर्देश जो है राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी को दे दिए हैं। लेकिन देखना होगा कब तक इन सब चीज़ों का निष्पादन जो है वो कब तक होता है। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया हर पल रांची।